हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मेट्रो के बारे में। मेट्रो के बारे में बात ये करना है कि ये हमारा मेट्रो का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। यहाँ से मैं एंट्री लेते भी है और यहाँ से बाहर निकलते भी है। तो मैं एंट्री लेते हुए देखा कि यहाँ पे कुछ लिफ्टे लगे हुए हैं, कुछ फाइनल लगे हुए हैं। तो चलिए आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक फाइनल के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिकल फाइनल है और ये हमारा PLC है और ये अभी फिल डाल के PLC का वायरिंग हो रहा है। ये केबल जो है यहाँ से घूम के हमारा यहाँ तक आया है। ये PLC है, ये PLC हमारा ये कंट्रोल, ये इलेक्ट्रिकल पैनल को कंट्रोल करता है। ये इलेक्ट्रिकल पैनल से वायरिंग हो रखा है। ये नीचे मोटर लगे हैं, ये टैंक है, ये टैंक में अंदर मोटर लगे हुए हैं, उसमें लेवल सेंसर लगा हुआ है और ये एक्चुअल हो क्यों रहा है वायरिंग और ये मोटर कैसे चलेंगे और ये पैनल ऑपरेट कैसे होगा। तो ये हमारा PLC है, ये PLC ही इसको चलाएगा और बंद करेगा। ये हमारा इसमें PLC है। ये PLC का वर्क ये है कि ये जो हमारे जितने भी वायरिंग हैं, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं पंप का, ये सब कंट्रोल रूम में जाते हैं। तो ये हमारा PLC है। ये PLC कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता है। SCR बोलते हैं उसको, स्टेशन कंट्रोल रूम। अब कंट्रोल रूम में बैठे बैठे यहाँ टैंक में पानी भर गया है, फिर टैंक का पानी निकालना है। तो एक्चुअली पानी भर गया है तो निकलेगा कैसे, कैसे पता होगा इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें सेंसर लगे हैं, वो सेंसर डिटेक्ट करके हमको ACR तक बताएगा। वो ACR से ही ये PLC ऑपरेट हो जाएगा और ये PLC ऑपरेट होके ये सारा पानी निकल जाएगा और फिर बंद हो जाएगा। और यहाँ से हमारा स्टेशन कंट्रोल रूम कनेक्ट होता है एक FO केबल के द्वारा, और FO केबल से कनेक्ट होता है हमारा जो मेट्रो भवन होता है वहाँ तक। कभी कभी क्या होता है कि आपातकालीन समय में कोई होता नहीं है, कंट्रोल रूम में आग लग गई है कुछ, तो उसमें क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पानी भरा है या नहीं भरा है। तो हमारा सेंसर बताता है कितना पानी भरा है और वो जैसे ही पानी भरता है तो सेंसर अपने आप मोटर को चला देगा और वो चलाने के बाद फिर पानी ख़त्म हो जाएगा तो वो बंद कर देगा। तो ये हमारा सारा PLC का कंट्रोल का काम होता है, ये PLC ही सारा करता है। और यदि कंट्रोल रूम में भी कोई नहीं है तो कुछ सिस्टम में कुछ नहीं करने का ज़रूरत है, सिस्टम खुद ऑपरेट हो जाता है मेट्रो भवन से। मेट्रो भवन में लोग बैठे होते हैं, उनको पता हो जाता है, वो वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं और खुद भी ऑपरेट हो जाता है। ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं, यही सिस्टम हम अभी बना रहे हैं, इसका वायरिंग कर रहे हैं और ये वायरिंग करके फिर इसको हम मोटर को चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, यहाँ से टेस्टिंग करेंगे, फिर हम जाके STR कंट्रोल रूम से टेस्टिंग करेंगे। कंट्रोल रूम से क्या होता है कि हमारा कुछ बड़ा सा कुछ नहीं होता है, बस हमारा छोटा सा लैपटॉप और सिस्टम होते हैं और सिस्टम के द्वारा ही ये सारा ऑपरेट होता है। जैसे हम लैपटॉप लेके बैठ गए और वो लैपटॉप में ही हमारा सारा डला होता है SCADA, और वहीं से SCADA हम ऑपरेट करेंगे, मोटर चलेगा, बंद होगा, हमें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखने भी नहीं आना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें सब कुछ वहीं फीडबैक मिलेगा कि मोटर चल गई, बंद हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और मेट्रो के बारे में बताते रहेंगे आप लोगों को। और यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। ये हम आगे बताएँ कि यह है आपका मेट्रो का एंट्री और एग्जिट पॉइंट। यहाँ से जैसे ही एंट्री लेते हैं तो सामने ये रास्ते कौन पोर्ट्स में चले जाते हैं, और ये कौन पोर्ट्स में जाने के बाद वहाँ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। फिर हम कौन पोर्ट्स का भी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के साथ, अगले वीडियो जल्द लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।